ओके तमन्ना, सबसे पहले तो सेल्फ परफॉर्मेंस होने वाली है, क्या तैयारियाँ चल रही हैं, क्या नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं, क्या चल रहा है मन के अंदर? इससे पहले मैंने कभी भी कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए परफॉर्म नहीं किया, एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर ऑन अ स्टेज यू नो देयर इज अ सर्टेन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस, बट आई थिंक एक स्टेडियम में परफॉर्म करना उसका पूरा फीलिंग ही कुछ और है, एंड जो ऑडियंस की पूरी एनर्जी होती है, आई थिंक दैट विल बी समथिंग रियली अमेजिंग एंड फॉर मी टू एक्सपीरियंस एज अ परफॉर्मर. एंड आई एम एक्साइटेड बिकॉज IPL से बेटर कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो नहीं सकता, बिकॉज वी आर ऑल क्रेजी अबाउट क्रिकेट. एंड पहला ओपनिंग नाइट है, तो ओपनिंग नाइट में वी विल बी जस्ट वेटिंग टू वॉच द मैचेस. एंड एंड या आई मीन CSK इज परफॉर्मिंग आफ्टर 2 years, सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. एंड एंड ऑफ कोर्स आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु बिलोंग्स टू लाइक फॉर मी द मुंबई टीम, द हैदराबाद टीम, द चेन्नई टीम, देर ऑल माई टीम्स ओनली आई फील लाइक, बिकॉज आई बिलोंग टू लाइक ऑल दीज सिटीज. सो एंड इस बार मेरा परफॉर्मेंस जो होने वाला है वो चारों भाषाओं का के सॉन्ग से होने वाला है. अब कनाडा सॉन्ग आया है, वह तेलुगु सॉन्ग है, वह तमिल सॉन्ग एंड हिंदी सॉन्ग. सो या आई मीन आई गेस इट गोज आउट टू प्रीटी मच द होल ऑफ इंडिया. मेरी हालत यही होती है कि आई डोंट नो विच वन टू चूज़ फ्रॉम, बट ऑफकोर्स CSK हैज़ धोनी एंड ह्यूज फैन, सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग देम प्ले. आई नो, हाँ जी, वेरी एक्साइटेड वेरी नर्वस, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा स्टेज अलग फीलिंग होता है लेकिन एक स्टेडियम का फीलिंग ही अलग होता है. एंड कल मुझे थोड़ी सी छोटी सी झलक मिली जब मैं रिहर्सल कर रही थी. सो या आई मीन वी आर रिहर्सिंग एज मच एज पॉसिबल टू गिव एन अमेजिंग स्मैशिंग परफॉर्मेंस. ओके, और किस तरह की परफॉर्मेंस होने वाली है, किस तरीके से, जिस तरीके से आपने बताया 4 तरीके की लैंग्वेज में गाने होने वाले हैं, सो क्या क्या तैयारी हो गई है और कितना और बाकी है? वेल, रिहर्सल ऐसा एक चीज़ होता है कि आप जब तक करते रहो आप यू वॉन्ट टू डू मोर एंड मोर, बिकॉज यू नो देर इज नो पॉइंट एट विच यू कैन फील लाइक यू डन इट ऑल एंड नाउ यू नो यू आर कम्फर्टेबल. I'm also looking forward to all the other performers because I'm a huge fan of Ritik and he's also performing, and Jacqueline is performing and Barun is performing. So I think all these performances I'm looking forward to seeing them as well, and yeah, I'm wishing them all the very best to you know have an amazing performance and amazing opening night. इसके अलावा कुछ फिल्में भी आ रही है आपकी, हमने इंस्टाग्राम पे देखा था आप एक्टिवा चला कर जा रही हैं. जी, सो आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ, सो माय नेक्स्ट फिल्म इज अ तमिल फिल्म कॉल्ड कन्नई कलेमाने, which is what I'm which I just finished shooting for, and Nanuve, which is a Telugu film, which is again something I just finished shooting for, and I'm also working on Queen, so the remake of it in Telugu. So yeah, these films are going on and they are my next releases, and yeah, I'm looking forward to people watching them. And actually mera ek ye ho gaya ki main har film mein ek scooty chala rahi hu, so actually this mein I think bahut memes bane hain ki main har film sign karne ke pehle bolte ek scooty ka shot rakhna chahiye. So I think all my films, for some reason I'm riding a scooty in it. So yeah, I think that's probably jo aapne photo dekha tha wo scooty chalate hue dekha hoga mera photo. Honi chahiye, I mean agar ye sare teenon film mein hit ho gaye to film mein har film mein scooty chalani padegi. Okay. Thank you so much. Thank you guys. Thank you.